अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। महिला विकास सर, हम सभी 25 प्राथमिक नवनियुक्त शिक्षक हैं। जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत हमारी नियुक्ति हुई है। 6 से 8 अप्रैल के बीच में हमारी नियुक्ति हुई थी और तब से हम ऑफिस या जो भी विभाग का कार्य है वो हम सब कर रहे हैं। इसके बाद जब हमारी पद स्थापना हो गई अपनी अपनी संस्था में, वहाँ जाने पर हमें ये पता चला कि हॉस्टल संचालन हमें करना है और पिछले 4 महीनों से हमें एक बार भी वेतन नहीं मिला, ना ही हमारा एम्प्लॉय कोड और ट्रेजरी कोड अभी तक बना है। स्टार्टिंग में जब हमने ये चीज़ बताई उन्हें तो हमें कहा गया कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम वेट करते रहे। कई बार गए, हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया। अब जाकर हमें यहाँ पर आना पड़ा। छात्रावास का संचालन हमें करना पड़ता है। 25 सीटर हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में जो 50 सीटर हॉस्टल रहता है और उस हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। कुछ चीज़ें तो हम किराने की दुकान से उधार ले लेते हैं, लेकिन गैस की टंकी, दूध, सब्जी, ये सारी चीज़ें हमें फिलहाल हमारे खुद के खर्चे से करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमें वेतन नहीं मिलेगा तो हम उन बच्चों का ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो उसका बच्चों का पेमेंट तो अलग आता होगा ना मैडम सर? लेकिन अभी तक शिष्यवृत्ति नहीं डली है तो वो दुगुना भार हम पर पड़ रहा है। हम कैसे मैनेज करेंगे? इसकी शिकायत पूर्व में करी थी? जी सर। हर स्थिति से हम ऑफिस में अवगत करवा चुके हैं। कई बार हम आवेदन भी दे चुके हैं। हॉस्टल की स्थिति भी, कहीं पर अगर रिपेयरिंग का कोई वर्क होता है तो उससे रिलेटेड भी अमाउंट अभी तक आया नहीं है, तो कितनी चीजें हम स्वयं से कर पाएंगे? अभी क्या कुछ चर्चा हुई आपकी? अभी हमने जब यहाँ पर बताया तो ट्रेजरी कोड से संबंधित हमें ये कहा गया कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट से मैम या सर जो आएंगे उनको हम आपकी बात बता देंगे। हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं ताकि हमें टाइम लिमिट मिले कि आपका काम इतने समय में हो जाए। अच्छा, कितने शिक्षक हो आप, कितना पेमेंट है आपका और कितने दिन से आपको नहीं मिला है? सर, हम 25 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और अप्रैल से हमारी नियुक्ति हुई थी। अप्रैल से लेकर अगस्त होने आया, एक बार भी हमें अभी तक सैलरी नहीं मिली। आपका परिचय? मैं कल्पना कुशवा, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। बागली में पदस्थ हूँ और बागली ही शिफ्ट हो गई हूँ मैं वहाँ। और अभी आपकी क्या चर्चा हुई अंदर? सर, हम लोग प्राथमिक शिक्षक हैं नवनियुक्त, लगभग हमें 4 से 5 महीने होने को है, पर अभी तक हमें ना तो कोई वेतन मिला है, ना हमारे कोई ट्रेजरी कोड जारी है, ना ही कोई इंप्लॉय जारी है। हम विभाग में जाते हैं ऑफिस में बात करने तो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, वो विभाग वाला बोलते हैं उनके पास जाओ, वो बोलते हैं उनके पास जाओ, और किसी भी प्रकार का संतुष्ट जवाब हमें नहीं दिया जाता। और हमेशा टाल मटोल की जाती है। डीओ साहब से भी हम कई बार मिलने की कोशिश की, 2 बार उनसे मिले, बता गए अभी उनके इस बारे में, 3 बार हम अकेले अकेले भी गए, उन्होंने कहा कि साथों बताया करो, अकेले आया करो। हम इसके लिए भी गए परंतु फिर भी हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। और मैं गुना से हूँ, कोई खरगोन से है, कोई खंडवा से है, कोई रायसेन से है, तो लगभग हम 300 किलोमीटर दूर से हैं। ये बाल बच्चों वाले लोग भी हैं, बच्चों को भी पढ़ाना, घर की आर्थिक स्थिति हमारे ऊपर ही डिपेंड। अच्छा, अभी आपने बताया अभी यहाँ पे कि आपसे कुछ मांग की जाती है, किस तरह की मांग की जाती है? क्या मांग? आप हाँ, प्रत्यक्ष रूप से। कैसे अप्रत्यक्ष रूप? कभी किसी को कॉल करो या वहाँ विभाग में जाते हैं तो हम जिनको नहीं जानते वो व्यक्ति भी आके बोलते हैं हमसे, यार वो तो बिना पैसे के काम होगा नहीं। ठीक है, वहाँ जाते हैं वो बोलते हैं
मुर्गा लगेगा, मथुरा लगेगा, हम किसको दें, हमारे पास खुद ही नहीं है। अच्छा, कितने कितने समय की वेतन आपकी रुकी हुई? हमारी लगभग 4 महीने की वेतन नहीं है। कितने महीने हो गए? कितना टाइम हो गए? अगस्त से 5-6 महीना से हो। आपको कितना समय हो गया आपको जिले में नौकरी करते करते? जिले में नौकरी करते करते हमें पूरे 4 महीने हो गए। जब से आप लगे तब से अभी तक कोई कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं अभी सब लोग आप देवास जिले में? हमें देवास में लगभग मेरे जो पूरी तहसीलों में है, कोई सोनकच्छ है, कोई टॉप खुर्द है, कोई कन्नौज है, कोई बागलोई है, कोई खातेगांव है, अलग अलग जगह अलग अलग आश्रम सभा में और अधीक्षकों के रूप में हम कार्य। अभी आपने एस डी एम साहब से मिले, क्या कुछ चर्चा हुई आपकी, आपकी क्या बात बोली? हम यहाँ एस डी एम साहब से मिले, कलेक्टर साहब थे नहीं तो उन्होंने आवेदन दिया, हमारे जो विभाग के हेड हैं उनको बुलाया और जो वो बातें होती है तो बस 4 दिन वही समय हमें यहाँ दिया गया, यहाँ से भी कोई समाधान नहीं मिला। जब आगे आपका क्या रहेगा अगर इसमें अगर आपको वेतन नहीं मिलता है तो? अगर आगे हमारे वेतन नहीं मिलता है तो हम लोग उज्जैन कमीशन साहब से मिलेंगे और वहाँ से भी काम नहीं होता है सहायक आयुक्त से मिलेंगे और अगर वहाँ से भी काम नहीं होता है तो हम मुख्यमंत्री के पास भोपाल मिलेंगे। कितनी सैलरी पे आपको रखा गया था यहाँ पे? यहाँ पे सर हमारा बेसिक पे है 25,300 पर 70% के हिसाब से हमारी सैलरी टोटल 24,600 कुछ करीब बनती है तो डिडक्शन होने के बाद हमारे हाथ में 22,000 सैलरी करूँगा। कितने महीने का पेमेंट आपको? हमारा सर 4 महीने का और ये अगस्त में आज से 5 महीने से। ये किस विभाग के अंतर्गत लगे थे आप? ये जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत। आपका परिचय? नाम बता दीजिए। मेरा परिचय सर, मैं निहाल सिंह ठाकुर ऊना जिले का रहने वाला हूँ और वर्तमान में सोनकच्छ तहसील की गंदरपुरी हॉस्टल में अधीक्षक के रूप में पदस्थ हूँ।